So, आज हमारे पास 16 e-sports player है जिनके बीच में होने वाला है 1v1 in a squad house. आपने normal TDM 1v1 देखा होगा, लेकिन हम ढूंढना चाहते हैं इस gaming community में squad house का king कौन है, जिसमें हम multiple rounds रखेंगे. The first round जो होगा वो AKM का होगा, जिसमें 8 player एक साथ eliminate हो जाएंगे. Second round में M4 होगा, उसमें 4 player eliminate हो जाएंगे. Third round में कट्टा होगा, जिसमें 2 player eliminate हो जाएंगे. And the last one जो 1v1 होगा, उसमें हम लोग DBS use करने वाले हैं. तो चलो आइए जानते हैं इन टॉप 16 e-sports player में से असली विनर कौन होगा एंड उसको टाइटल दिया जाएगा हु इज द किंग ऑफ स्क्वाड हाउस. सो वीडियो में जाने से पहले एक बार फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटेंस होगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा सब्सक्राइब करने का एंड बाद में आप भूल जाते हो मुझे पता है. तो पहले ही सब्सक्राइब दबा दो, नहीं आएगा समझ, अच्छा नहीं लगा तो अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अब भी सब्सक्राइब पहले कर दो. तो गाइस हमारे पास सारे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर ज्वाइन हो चुके हैं. आप देख सकते हैं मान्या, स्लग, जूसी, रौनक, सिम्प, माइटी, ड्रीम्स, सिराज, गोब्लिन, ब्लैक्स, और ये कौन है हीरो, हेक्टर एंड ऑक्टेवियस और मैडमैन, और साथ में हमारा एक और लास्ट प्लेयर है बीस्ट. और एक और प्लेयर है जो आपको पता ही होगा कौन है, वो है एस पावर, वो भी इधर ही कहीं घूम रहा होगा. तो अभी हम सीधा चालू करते हैं 1v1 DBS. इन सब के बीच में कंपटीशन होने वाला है DBS, M4, AKM एंड कट्टा. देखते हैं कौन ये स्क्वाड हाउस का विनर है, लेट्स गो. सो फर्स्ट 1v1 होने जा रहा है गाइस, बीस्ट वर्सेस गॉब्लिन. आप सुनो, मैं टॉस करने जा रहा हूँ तुम दोनों के बीच में, तुमको कौन सी पोजीशन लेनी है, तुमको ग्राउंड फ्लोर लेना है या फर्स्ट फ्लोर, जो जीता वो ले सकता है, ठीक है. ओके बीस्ट, तू क्या लेना चाहेगा, हेड्स और टेल्स? ठीक है, तो गॉब्लिन तुम्हारे पास हेड्स है, ठीक है, हेड्स आया गॉब्लिन, तू जीत गया. देखो बता, देखो रूफ लेना है कि ग्राउंड फ्लोर लेना है? रूफ लेना है, ठीक है गॉब्लिन आप रूफ पे रहे. 1 2 3 लेट्स गो फाइट. बोल देता हूँ. Let's see, Beast. Oh, Beast ने प्री फायर दिया. यार यहाँ पर Beast के HP 50% पे हो चुकी है, Goblin की भी 50% पे. Beast थोड़ा ज्यादा लो है, Goblin ने पहले फर्स्ट एड लगाई, Goblin की फर्स्ट एड लग चुकी है और Goblin नीचे आ चुके हैं, Beast की भी फर्स्ट एड लग चुकी है. यहाँ पे थोड़ा प्री फायर होते हुए और यहाँ पीक फायर देते हुए और उसमें Beast थोड़े और लो हो चुके, Goblin पे HP एडवांटेज और यहाँ पर Goblin ये राउंड जीतते हुए एक गेम. बहुत ही बढ़िया Goblin, आप क्वार्टर फाइनल्स में आ चुके हैं, बहुत बहुत बधाई आपको. अब दो लोग आ रहे हैं, जोकर वर्सेस सिम्प. किसका हेड है और किसका टेल है बता दो. सिम्प का हेड है, ठीक है, जोकर का टेल से, ठीक है, टेल्स आया गया. जोकर भाई जीत चुके हैं, जोकर भाई क्या लेना चाहेंगे, रूफ या फिर ग्राउंड फ्लोर? रूफ देना चाह रहे. 1 2 3 फाइट स्टार्ट, लेट्स गो. यहाँ पर सिम्प पुश करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर, जोकर पे 1000 रुपए, सिम्प पे 1000 रुपए मेरी तरफ से. और यहाँ पर अरे शॉटगन, अरे अरे भाई तो शॉटगन यूज कर रहा है एके में, अरे ये तो M4 है, मत मार मत मार मत मार, अरे एके मर गया, वैसे ही मर गया वो, एके फाइट थी जीत गया सिम. अरे जोकर भाई क्या सुनते ही नहीं हो गया, क्या करना था. थर्ड राउंड में आ रहे मैडमैन वर्सेस हेक्टर. हेक्टर पे 1.5 लाख रुपए, हेक्टर पे 1.5 लाख रुपए. किसका हेड है किसका टेल है जल्दी बताओ. हेड हेड हेड, ठीक है हेक्टर को हेड चाहिए, अभी देते उसको. टेल्स आया गया है, मतलब मैडमैन जीत चुके हैं. मैडमैन भाई आपको रूफ लेना है या ग्राउंड फ्लोर? ठीक है, 3 2 1 फाइट. और यहाँ पर हेक्टर ऊपर की तरफ पुश करते हुए और यहाँ पर थोड़ा प्री फायर फाइट होते हुए मैडमैन वर्सेस हेक्टर पे. मैडमैन बालकनी में आ चुके हैं, हेक्टर सीढ़ियों पे खड़े हुए और यहाँ पर मैडमैन ने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके पीक करके एक्टर को एलिमिनेट कर दिया गया है. क्या बात है, इन्होंने अपना दिमाग लगाया 5000 रुपए जीतने की खुशी में. क्या कहना चाहते हो आप? नहीं नहीं जीता, नहीं जीता, नहीं जीतने के क्लोज आ गए, जीतने के क्लोज आ गए. हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम कुछ नहीं कहना चाहते. अब फोर्थ राउंड में आ रहे मान्या वर्सेस ड्रीम, IGL वर्सेस IGL. अभी असली पता चलेगा कि कौन सा IGL गन फाइट में बेटर है. हेड्स किसको चाहिए और टेल्स किसको चाहिए बता दे. किसको नाम नाम? ड्रीम्स का हेड्स. ओके पॉइंट फ्लिप करते हैं और हेड्स आ गया और यहाँ पे ड्रीम्स जीत चुके हैं टॉस. ड्रीम्स भाई आपको रूफ लेना है, आप रूफ पे जा सकते हैं. मान्या भाई आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाए. 1 2 3 फाइट. और यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है, एके एम वर्सेज एके एम. मान्या भाई थोड़ा सा वन टैप देते हुए, ये शायद वैलोरेंट बना रहे हैं. किस पे लगा रहे हो पैसे जल्दी बताओ? मान्या पे लगा रहे हो. ड्रीम्स भाई थोड़ा प्री फायर देते हो और यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं. यहाँ पे मान्या भाई पिक करते हुए और यहाँ पर थोड़ा सा प्री फायर ड्रीम्स की तरफ से.
मान्या भाई अभी भी क्लोज रेंज, ओ माय गॉड, मान्या भाई यहाँ पर एडीएस खोल के जीत चुके हैं। नेक्स्ट राउंड में आ रहे सिराज वर्सेस ऑक्टेवियस, लेट्स गो। क्या मांगते हुए सिराज भाई आप बताए, आपको हेड्स, आपको टेल्स चाहिए तो हेड्स हो क्या? ऑक्टेवियस भाई का हम कॉइन फ्लिप करते हैं और हेड्स आते हुए क्या बात है, ऑक्टेवियस भाई जीत चुके हैं। ऑक्टेवियस भाई बताए आप, आपको रूफ लेनी है ग्राउंड फ्लोर, रूफ टॉप, ओके। 1 2 3 स्टार्ट। अब यहाँ पर देखते हैं ये अंडरडॉग में से कौन सा प्लेयर जो है निकाल पाएगा। माफ करें माफ करें माफ, मतलब ऑक्टेवियस भाई अच्छा खेलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन छोटे मोटे अंडरडॉग तो खेल सकते हैं उनको। और यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करते हैं, और माय गॉड यहाँ पर सिराज भाई की एचपी लो, ऑक्टेवियस भाई ने बहुत ही प्री फायर दे दिया है, मुंह के सामने रिलोड किया है, और यहाँ पर ऑक्टेवियस भाई निकालते हुए ये फाइट, और इन्होंने बताया कि हम अंडरडॉग नहीं है, हम भी एक ई-स्पोर्ट्स एथलीट है टी1 स्क्रिम्स के। नेक्स्ट राउंड में आ रहे माइटी वर्सेस ब्लैक्स, ये फाइट बहुत ही खतरनाक होने वाली है, द बेस्ट एवर एमर्स जो दोनों है उन दोनों के बीच में होने वाली ये फाइट। हेड्स और टेल करते हुए इन दोनों के बीच में अपना अपना पिक मांगे, आप क्या मांगना चाहते हैं? इसको चाहिए हेड, ब्लैक्स को हेड चाहिए, ठीक है। और हेड्स आते हुए ब्लैक्स भाई आपको हेड मिल चुका है, आपको रूफ चाहिए या ग्राउंड फ्लोर? ओ माय गॉड, ब्लैक्स भाई ने ग्राउंड फ्लोर मांगा है, द फर्स्ट एवर पर्सन जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर मांगा है। 1 2 3 फाइट। और यहाँ पर डिस्कॉर्ड लीव हो चुका है, माइटी भाई ग्राउंड फ्लोर पे आते हुए फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके, बालकनी में आ गए है, बालकनी में आ चुके ब्लैक्स भाई, क्या बात है, रूफ टॉप पे माइटी भाई है, थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हुए ब्लैक्स भाई, ओ माय गॉड जंप शॉट पे बॉडी शॉट दे चुका है ब्लैक्स भाई ने, ओ माय गॉड, तो माइटी भाई ने लेकिन अपना कंपोजर लगा करके ब्लैक्स भाई को हरा दिया गया है, क्या बात है। वेलकम टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ किंग ऑफ स्क्वाड हाउस। नेक्स्ट राउंड में आ रहे हैं रौनक वर्सेस स्लग, बहुत ही मजेदार फाइट होने वाली है, एक खतरनाक असॉल्टर और एक सपोर्टर, और असॉल्टर जैसा भी तुम्हारा रोल है वो तुमको ही पता है, मेरे को नहीं पता है। रौनक भाई क्या मांग रहे हो, हेड्स और टेल? ओके, रौनक भाई को भी हेड्स चाहिए, हेड्स आ गया है, क्या बात है। रौनक भाई आप जीत चुके, आपको रूफ टॉप चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर चाहिए? ओके रौनक भाई रूफ टॉप, स्लग भाई आप ग्राउंड फ्लोर पे रुके। और यहाँ पर रौनक भाई अभी भी छत होल्ड होल्ड करते हुए, और स्लग भाई थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहे, ये वाली नई वाली टिप्स एंड ट्रिक्स जो राइट साइड से कूद रहे, और रौनक भाई ऊपर कूदते और वॉल्ट कर गए और वो छत पे आ गए, ओ माय गॉड। रौनक भाई आपने हेड्स मांग के छत जो ली थी आप तो नीचे आ गए फिर से, क्या सीन है आपका? और यहाँ पर रूफ टॉप के लिए बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही है, एडवांटेज में तो मैं ही रहूंगा, स्लग भाई बोले भले मैं हार गया टॉस लेकिन फिर भी रूफ पे मैं रहूंगा। और यहाँ पर 1v1 होते हुए, और 1v1 में किसी को भी कुछ भी डैमेज नहीं पड़ा है, ओ माय गॉड ये तो मैंने पहली बार देखा है। और रौनक भाई वापस बोलते नहीं नहीं मैंने टॉस जीता छत तो मैं ही लूंगा, और यहाँ पर वापस फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, और ये ओ माय गॉड क्या बात है। और यहाँ पर स्लग भाई जीत चुके हैं, अभी होने वाला है जूसी वर्सेस एस पावर। मांगो तुम लोग हेड्स और टेल, कौन मांगना चाहता है? तू हेड्स मांग रहा है, ठीक है तो जूसी को हेड चाहिए, देखते क्या आता है। जूसी को हेड मिल चुका है, क्या बात है, आपको क्या चाहिए, ग्राउंड फ्लोर या फिर? चल मैं ऊपर ले रहा हूं, छत ले रहा हूं। ठीक है तो छत ले ले। 1 2 3 फाइट। चलो गाइस इन दोनों के बीच में फाइट चल हो चुकी है, एक आईजीएल वर्सेस एक असॉल्टर, लेट्स सी क्या आईजीएल अपने दिमाग से एक गन की स्किल्स वाले प्लेयर को हरा सकता है नहीं चला सकता है, लेट्स सी देखते हैं हम। और यहाँ पर एसपावर बालकनी में आते हुए और जूसी भाई रूफ टॉप पे जिगल करते हुए प्री फायर देते, और एस पावर फिर से बालकनी में आते हुए और जंप करके जूसी को थोड़ा सा डैमेज किया है, और जूसी भाई यहाँ पर फिर से हील करते हुए फर्स्ट एड ही लगा रहे जूसी भाई 7 सेकंड का, और यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट एड लगा दी है। अब देखते हैं यहाँ पर जूसी और एस पावर में कौन है जो जीतेगा। यहाँ पर एस पावर जो है वो जूसी को बहुत ही लो कर दिए है, और अभी भी एस पावर पुश नहीं कर रहे, और यहाँ पर एस पावर ने जंप करके जूसी को मार दिया है, बहुत ही खतरनाक फाइट होते हुए लेकिन एस पावर इस एक एम के विजेता है। और हम सीधा अब राउंड 2 पे चलते हैं, जहाँ पर होने वाला है जो जीते हुए लोग है उनके बीच में मैच, सिम वर्सेस गॉब्लिन होने वाला है फर्स्ट राउंड, जो सेकंड राउंड M4 ले लो दोनों। चलो अब फिर से टॉस होने वाला है, हेड्स ठीक है, सिम को फिर से हेड चाहिए, टेल्स आया है, गॉब्लिन जीत चुके हैं, गॉब्लिन आपको क्या चाहिए, ग्राउंड फ्लोर या फिर रूफ टॉप? गॉब्लिन को रूफ टॉप चाहिए। 1 2 3 फाइट। और यहां पर टैप देते हुए सिम और गॉब्लिन वर्सेस
सिम फाइट चालू हो चुकी है और यहाँ पर गॉब्लिन ने सीधा पुश करके सिम को एलिमिनेट कर दिया है। और यहाँ पर गॉब्लिन सेमीफाइनल्स में आते हुए नेक्स्ट राउंड में आ रहे हैं हमारे मैडमैन वर्सेस मान्या। मैडमैन मांगे आपको क्या चाहिए, हेड्स और टेल? आपको फिर से हेड चाहिए, सबको हेड ही को लेना होता है। हेड्स आ चुका है और यहाँ पर टॉस जीतते हुए मैडमैन रूफटॉप लेते हुए मान्या भाई ग्राउंड फ्लोर पे है। 1 2 3 फाइट। और यहाँ पर मान्या भाई आ रहे है ऊपर और मान्या भाई फिर से वही फाइट लेते हुए पीक वाली फाइट जैसा इन्होंने लास्ट टाइम ली थी। और पैनिक रूम में बैठे हुए मैडमैन वो कहते हैं हम भी पीक फाइट लेंगे, हमको भी आती है, हमने भी थोड़ा थोड़ा खेला है गेम। और मान्या भाई टीपीपी लेते हुए और पीक फाइट करते हुए अभी भी, और देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा। दोनों अभी फर्स्ट फ्लोर की तरफ है और मैडमैन ने कहा मेरे को नहीं लेनी, मैं नीचे कूद रहा हूँ। मैडमैन यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आते हुए और मान्या भाई कह रहे हैं मैं तो ऊपर ही होल्ड कर रहा हूँ, इसको पुश करना दूंगा, स्टेयर्स फाइट लूंगा मैं। और मान्या भाई स्टेयर्स पे थोड़ा प्री फायर देते हुए टीपीपी लेते हुए और यहाँ पर मैडमैन ऊपर आते हुए और मान्या भाई कर ले लेफ्ट राइट जिगल जीतते हुए और मान्या भाई आ चुके सेमीफाइनल में। क्या बात है। अब थर्ड राउंड में आते हुए ऑक्टेवियस वर्सेस माइटी, बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है ऑक्टेवियस वर्सेस माइटी। ऑक्टेवियस आपको क्या चाहिए, हेड्स और टेल? हम देखते हैं। हेड्स आते हुए माइटी भाई यहां पर जीत चुके हैं। माइटी भाई क्या चाहिए आपको, क्या बात है। दूसरा प्लेयर है जिसको ग्राउंड फ्लोर बहुत पसंद है। अरे पैसा लगाओ, कौन जीतेगा बताओ? माइटी हारेगा। माइटी हारेगा, ठीक है। 5 लाख, 5 लाख माइटी की तरफ पे लग चुके हैं, हारेगा उस पे। माइटी जीतेगा, कितने पे, कितने लगा रहे हो आप? 1 करोड़ रुपए। 1 2 3 फाइट। स्टेयर्स की तरफ आते हुए माइटी और यहाँ पर ऑक्टेवियस थोड़ा सा प्री फायर देते हुए स्टेयर्स की तरफ और यहाँ पर लेफ्ट पीक देते हुए माइटी भाई का शायद गलत पीक हो गया और लेकिन दोनों के में अभी तक एक भी बुलेट का कनेक्शन नहीं हुआ है। और यहाँ पर लेफ्ट विंडो से जंप करते हुए मारने का ट्राई करते हुए ऑक्टेवियस भाई नीचे चले गए, बालकनी के ऊपर चढ़ चुके हैं। माइटी भाई लेफ्ट पीक जो उन्होंने पहले किसी को मारा था ऐसे करके वो ट्राई करते हुए, लेकिन अब थोड़ा टीपी भी एडवांटेज क्योंकि उनको पता है कि वो उधर ही देख रहा होगा। और ऑक्टेवियस भाई ने ओपन एडीएस खोल के माइटी को लो कर दिया है, लेकिन ऑक्टेवियस भाई थोड़ा ज्यादा लो है माइटी से और दोनों ही प्लेयर फर्स्ट एड लगाते हुए दोनों सेम एचपी पे आते हुए, लेकिन ऑक्टेवियस भाई का हेलमेट का डिसएडवांटेज है, लेकिन उन्होंने फिर से प्री फायर देके माइटी को एक बुलेट और मारी है। पर दोनों की एचपी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है अभी, बहुत ही खतरनाक फाइट चलते हुए। और यहाँ पे माइटी भाई जिगल देते हुए बहुत ही खतरनाक जिगल और माइटी भाई थोड़ा सा फायर करते हुए, और ये डीबीएस मेटा नहीं है कि आप पीक करके मार दोगे। आपने मूवमेंट जैसे स्टॉप किया ऑक्टेव भाई ने सीधा अपने 2 फिंगर से उनको 4 फिंगर वाले को डिफेंड कर लिया। नेक्स्ट राउंड में हमारे आ रहे हैं प्लेयर्स स्लग वर्सेस एस पावर और 1 करोड़ रुपए लॉस खाते हुए हमारे गॉबलिन। अब 1 करोड़ रुपए हमारे जीपे नंबर पे भेज देना, थैंक यू। आपको क्या चाहिए, हेड्स और टेल्स? स्लग ठीक है, आपको टेल्स दिया जाता है और देखते हैं। और यहाँ पर हेड्स आते हुए एस पावर जीतते हुए। एस पावर बताइए आपको रूफ चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर चाहिए? ग्राउंड फ्लोर चाहिए। ओके एस पावर, 1 2 3 फाइट। दोनों प्लेयर रेडी है और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आ चुके हैं एस पावर और स्टूडियो की तरफ होल्ड करते हुए, लेकिन स्लग भाई थोड़ा एक ऑफ एंगल पे बैठे हुए थे। एस पावर भी बहुत शाने, उन्होंने पहले टीपी भी लेकर चेक कर किया, फिर से स्लग भाई ऑफ एंगल पे बैठे हुए और रूफ पे आ गए, लेकिन एस पावर को पता नहीं शायद, लेकिन उस बंदे ने पुश कर दिया है। अब वो कॉमन एंगल पे आ चुके, लेकिन एस पावर नीचे कूद गए और ओ माय गॉड वो कैसे वहां पे आया, अच्छा ग्राउंड फ्लोर से आया। ओके ओके, एस पावर और स्लग के एचपी ऑलमोस्ट सेम, लेकिन एस पावर थोड़े से कम हेल्थ पे। आई थिंक थोड़ा जंप शॉट होते हुए दोनों ही प्लेयर जो है हमारे वो हील कर रहे हैं और यहाँ पर फिर से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हुए और स्लग की एचपी 1 HP, लेकिन एस पावर के एचपी 20 HP है। दोनों ही प्लेयर फर्स्ट एड लगाते हुए, आई थिंक दोनों का वेस्ट जो है वो डैमेज पूरा हो चुका है। और यहाँ पर फिर से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हुए एस पावर और उन्होंने स्लग को वापस से डैमेज किया और फिर से स्लग भाई एक और बार फर्स्ट एड यूज करते हुए वापस से प्लेयर्स दोनों सेम एचपी पे, एक बालकनी में और एक छत पे फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए। थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स फिर से यूज करते हुए जंप करके मारने का ट्राई करते हुए, लेकिन एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हुए और फिर से और एस पावर भाई नीचे कूद चुके, डब्बे का कवर लेने का ट्राई किया लेकिन फिर से लो किया उन्होंने और फिर से स्लग भाई फर्स्ट एड लगा रहे। आई थिंक स्लग भाई की पूरी वेस्ट डैमेज हो चुकी है और एस पावर भाई बिल्कुल भी ओवर कमिट नहीं करते हुए, भले 3 बार उन्होंने लो किया लेकिन फिर भी उन्होंने पुश नहीं किया। रेस्पेक्ट फॉर दैट फाइट। लेकिन स्लग भाई भी कम नहीं, मैं लगा कितनी बार भी लो कर दो मैं ऐसा
पोजिशनिंग बनाऊंगा कि सीधा हील कर लूंगा। लेकिन ये फाइट बहुत ही लंबी खींचते हुए अभी भी कोई भी प्लेयर एडीएस फाइट में नहीं आया, और अब एडीएस फाइट में थोड़े थोड़े आए लेकिन कोई भी किसी को लो नहीं कर पाया। स्लग भाई थोड़ा डिसएडवांटेज पोजीशन में, फिर भी उन्होंने एस्पार को थोड़ा मार दिया और एस्पार फिर से रूफ पे जाते हुए रिलोड करते हुए गन को, और वो लोग वापस से हील कर रहे हैं। स्लग भाई फ्री फायर देते हुए फिर से नीचे आए। मेरे को लगता है ये दोनों की फाइट एक साल तक चलेगी, लेट्स सी। और फिर से फिर बार और टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हुए फिर से नीचे गिर गए। इनके पैर है ये गाड़ी के टायर के कहीं पे भी रोल करके निकल जाते हैं, समझ नहीं पड़ती है। और टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों प्लेयर हर तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं, मैं कमेंट्री बंद कर दूंगा। लेकिन इनकी फाइट नहीं खत्म होने वाली है, आज मुझे पता चला कास्टर में होने में कितनी एनर्जी लगती है। अब मैं बोलना बंद कर रहा हूँ, आप खुद ही देख ले। हर्ष थक गया भाई जी। हाँ देखो बात जो आपने जो यहाँ पे ये दोनों प्लेयर खिलाड़ी हैं, वही टाइम ले रहे हैं। स्लग भाई यहाँ पर भाग चुके हैं, एचपी उनकी लो है, एस पावर इस फाइट को एडवांटेज बनाते हुए, लेकिन एडवांटेज अभी भी बना नहीं पाए। स्लग भाई बोले मेरे को हील करना, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, तुम जाओ तुम्हारा काम जाने। अरे भाई फिर से आ गया ऊपर। वो ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बैठा, वो हील करने का मौका नहीं दे रहा है। वो क्यों मारा? लेकिन इस बार इस पावर मौका नहीं देंगे, यहाँ पे पुश कर रहे हैं सीधा, खुली छाती लेकर छोटी सी पुश कर रहे हैं। और लग ऊपर भागे जा रहे हैं भाई, दोनों नन्हे नन्हे खिलाड़ी हैं, नन्हे नन्हे। और हील करने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहते इस पावर, हर बार हीलिंग के टाइम पे। और एस पावर नीचे गिर गए, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी नीचे गिर के। क्या हो रहा है यहाँ पे? इस पावर ने बोला यार अब मेरे से बिल्कुल भी होल्ड नहीं हो रहा, और यहाँ पर स्लग फाइट निकालते हुए। सो गाइस हमारे सेकंड राउंड के विनर्स है गॉब्लिन, मान्या, ऑक्टेवियस एंड स्लग। मुझे लगता है कि जिसका मैच भी ऑक्टेवियस के साथ होगा वो सीधा फाइनल में पहुंचने वाले हैं। अभी इससे पहले भी 1 करोड़ की शर्त लगी थी। दो लोग फर्स्ट राउंड में आ जाओ, ऑक्टेवियस वर्सेस मान्या। चलिए यहाँ पे मतलब मुझे लगता है अमन जी कि मान्या ऑलरेडी फाइनल फिनाले के एक हकदार लग रहे हैं मुझे। मुझे देखते हैं देखते हैं। मान्या आप मांगे, आपको हेड्स या टेल्स? हेड्स आया, हेड्स आया। तो ऑक्टेवियस भाई आप जीत चुके हैं, आप छत पे जाए 1 2 3 पे सीधा चालू कर दे। 1 2 3 फाइट। यहाँ पे ऑक्टेवियस ज्यादा तरीके कॉन्फिडेंस का यूज करते हुए अपना पुश करने की कोशिश, लेकिन मान्या भाई थोड़ा होल्ड करते हुए, और यहाँ पर मान्या भाई ने डैमेज दे दिया है ऑक्टेवियस को। तो यहाँ पे वापस एक टीपीपी का बहुत अच्छा प्रयोग करते हुए दोनों ही खिलाड़ी बहुत उमदा प्रदर्शन करते हुए, पता नहीं यहाँ पे दोनों खिलाड़ी के अंदर क्या सोच है, कोई कुछ नहीं कर रहा। बूस्टर मारते हुए, बूस्टर मारते हुए ऑक्टेवियस भाई, और पीक करके बैठे हुए मान्या भाई, और जिकल देते हुए, और उनपे रिलोड आया, उनपे रिलोड आया मान्या भाई, दोनों पे रिलोड आया। और ऑक्टेवियस भाई ज्यादा लो है, वो फर्स्ट हिट मार रहा है। ओ हेडशॉट, और ए बॉडी शॉट, और यहाँ पर ऑक्टेवियस भाई डिसएडवांटेज फाइट को एडवांटेज फाइट बनाते हुए, और वेलकम टू द फाइनल्स ऑफ हु इज द किंग ऑफ स्क्वाड हाउस। नेक्स्ट राउंड में आ रहे स्लग वर्सेस गॉब्लिन, हम टॉस करते हैं फटाफट से। गॉब्लिन मांगे आपको क्या चाहिए? हेड चाहिए, हम फ्लिप करते हैं कॉइन, और यहां पर आ चुका है टेल। स्लग जीत चुके हैं, आपको रूफ चाहिए, ग्राउंड फ्लोर चाहिए? रूफ दे दो। 1 2 3 फाइट। ठीक है फाइट चालू चुकी है, और यहां पर गॉब्लिन फर्स्ट फ्लोर पे आते हुए और कट्टे का फायर कटराय कर रहे हैं, फाइट को थोड़ा लंबा खींचा जा रहा है, और यहाँ पर सीधा छत पे पुश कर रहे हैं गॉब्लिन, और यहाँ पर सीधा बालकनी में कूद गए हैं, और जंप शॉट मारने का ट्राई किया गॉब्लिन ने लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ, और पूरा स्पैम कर दिया कट्टा, लेकिन फिर से रिलोड पे आ चुका है कट्टा। रूफ टॉप पर स्लग भाई बैठे हुए हैं, और गॉब्लिन भाई बालकनी में आ गए हैं, लेट्स सी कौन जीतेगा। और यहाँ पर गॉब्लिन ने बहुत ज्यादा डैमेज ले दिया है, और ले भी लिया है, लेकिन गॉब्लिन को 2 हिट पड़े लेकिन स्लग को सिर्फ 1 ही हिट पड़ा है, और स्लग भाई पुश करते हुए और हील करते हुए, और गॉब्लिन ने यहाँ पे क्लच कर दिया गया है। तो गाइस हमारे फाइनल राउंड में बिल्कुल फाइनल मतलब ये लास्ट है, उसके बाद हम आपको बाय कहेंगे। अपना ऑटो पिक ऑफ कर दो बाद में, ये सब मेरे को वहां नहीं सुनने बिल्कुल भी। अपना फैन लगा लो, लैग हो रहा है जो भी कर रहा है, एसी में बैठ जाओ, हाथ पे थोड़े फूके ऊके मार दो अगर गर्मी लग रही है तो, और उसके बाद हम टॉस करते हैं। ठीक है आपको हेड्स चाहिए, और यह फ्लिप करते हुए कॉइन, और आपको मिला है टेल्स, मतलब गॉब्लिन आज जीत चुके हैं। आपको छत चाहिए या फिर ग्राउंड फ्लोर? छत चाहिए।
ठीक है ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए। 1 2 3 फाइट। दोनों की फाइट अब होते हुए ऑक्टेवियस यहां पर टीबीएस से थोड़े फटके मारते हुए और गोब्लिन को स्टेयर स्पीड डाउन। फाइनल इतना आसानी से गोब्लिन हार चुके हैं। मुझे ये यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि फाइट थोड़ी सी एंगेज होगी, लेकिन कोई बात नहीं। ऑक्टेवियस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सर पे हम हार पहनाएंगे, आपका फोटो भेज देना। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इस पे 5000 कमेंट्स एंड 50000 लाइक्स हुए तो हम इसका पार्ट 2 IGLs के साथ कुछ ऐसा चीज लेके आएंगे जो आपको हिला डालेगा।